दोस्त, अगर आपका भी लैपटॉप या पीसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है और आप लॉगिन करने की कोशिश कर पा रहे हैं, तो आप बिना कीबोर्ड के तो लॉगिन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पिन या फिर पासवर्ड एंटर करना होगा और इन दोनों के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए चाहिए। कीबोर्ड के बिना आप कुछ भी अपना ना तो पिन एंटर कर सकते हैं ना ही अपना पासवर्ड। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि या तो आप पीसी को रिस्टार्ट करें, पूरा रिस्टोर कर दें, या फिर सेकंड की वर्चुअल कीबोर्ड से करें। तो इसके लिए आप नीचे राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे एक ऑप्शन दे रखा है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि एक यहाँ पे दे रखा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको आपको इनेबल कर देना है। इससे होगा क्या कि आपकी स्क्रीन पर ही एक कीबोर्ड आ जाएगा, जिससे कि फिर आप माउस की सहायता से उस कीबोर्ड पर लगे बटन्स को प्रेस करके इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मुझे अगर पासवर्ड डालना है तो मैं अपने माउस की सहायता से यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ और अपने लैपटॉप या पीसी को लॉगिन कर सकता हूँ। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि किन कारणों से हमारा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, और आमतौर पर ये ड्राइवर्स के कारण ही ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो लैपटॉप या पीसी के ड्राइवर्स रहते हैं कीबोर्ड के, वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं रहते हैं। तो अब मैं अपना पिन एंटर कर देता हूँ यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड से। ये देखिए, मैंने अपने लैपटॉप में एंटर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।